अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे ऑटो पार्ट्स में चाहिए स्क्रीन पर कि आप किस तरह से एक मैकेनिक मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता है और आपके स्क्रीन ट्री सॉफ्टवेयर में किस तरह से सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल आपको डेमो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम चलते हैं कैशिंग स्क्रीन पर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू कस्टमर जनरेट कर लेते हैं। न्यू कस्टमर मैंने लिया एक, मैंने नंबर डाला यहाँ पे और यहाँ पे सेव कर दिया। रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हम यहाँ से अपने मैकेनिक यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमने कोई भी एक मैकेनिक ले लिया, जैसे रईस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने पार्टी में अपना अपना नंबर डाला, 1698 गाड़ी का नंबर डाला। अब इस हवाले से वजीफा साहब को जो मैकेनिक की चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आपको बताता रहेगा। जैसे उसने एक प्लग का, फिर उसने साथ में कहा एक ब्रेक शू, ये दो चीज़ें उसने लिया। आपने बिल यहाँ पे होल्ड कर दिया। नेक्स्ट आप यहाँ से क्लाइंट ले लेते हैं, जैसे आपने अज़र लिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जाके मैकेनिक सेम लिया और यहाँ पे आप देखें, आप मैं दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में इनको दे देता हूँ और यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ। अब इन द मीन टाइम आपके पास यहाँ पे कोई आ जाता है वॉकिंग कस्टमर, तो वॉकिंग कस्टमर को आपने जो भी सामान देना उसने आपसे रिक्वायर्ड किया, उसने ब्रेक शू मांगा आपने दिया उसे और आपने फास्ट कैश कर दिया, ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर आप अपना होल्ड बिल अपना यहाँ से ड्राफ्ट में आप देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से बिल्ड होने हैं, तो आप वहाँ से ये ले लेंगे। आपने ये लिया और आप मैकेनिक अगर नहीं भाई इसमें मुझे और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको फास्ट कैश किया। और जैसे ही मैकेनिक ने आपको यहाँ पे कहा, अब जैसे मैकेनिक आपने कहा कि मुझे इसमें और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको फास्ट कैश किया और ट्रांजेक्शन सक्सेस कर दी। इसी तरह से इन द मीन टाइम दोबारा आपके पास कोई और कस्टमर आ जाता है, तो आपने यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करना है। कस्टमर सेलेक्ट करते हुए आपने यहाँ पे मैकेनिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पार्टी आपने नंबर डाला गाड़ी का और इसमें जो भी आप सामान उसके ऊपर मैकेनिक आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है आपने यहाँ पे सेलेक्ट करते रहना है और उसको बता देना और यहाँ से होल्ड हो जाएगा बिल। और जैसे ही आपने होल्ड किए हुए बिल को आपने ट्रांजेक्शन को सक्सेस करना है, तो आपने यहाँ से दोबारा होल्ड बिल को कॉल करेंगे और यहाँ से फास्ट कैश करके ट्रांजेक्शन सक्सेस कर देंगे। इसका प्रिंट आउट लेना होगा तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यस करना है। अगर प्रिंटर नहीं लेना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट अगर आप चेक करना चाहें बैक ऑफिस में कि किस तरह से आप देखना चाहते हैं कि आज के दिन में आपने कितनी सेल्स करी है और किस मैकेनिक की कितनी हुई है, तो यहाँ सेल्स समरी रिपोर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे फिल्टर होता है, जिसमें आपने सेल एजेंट किया, यहाँ पे आपने मैकेनिक लगाया और यहाँ पे आपने डेट फिल्टर के देते हुए आपने रिपोर्ट जनरेट कर ली। जनरेट रिपोर्ट होते ही आपको इसमें सारी डिटेल आ जाएगी कि आप किस तरह से जनरेट रिपोर्ट में आपको देखें, जनरेट होते ही आपको इसमें पता चल जाता था कि इस मैकेनिक से आपके कितना इसने गाड़ियों की किया है और कितने टोटल आपके पास अमाउंट आया। इसी की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपने डिटेल पे चेक लगाएंगे और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने नई चीज़ नए डेमो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।